गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में बिजली गुल होने पर बुधवार की रात कुछ छात्रावासियों ने सड़क जाम करने के बाद चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद के आवास पर तोड़फोड़ और पथराव किया था। इस मामले में चीफ प्रॉक्टर ने उपद्रवी छात्रों के खिलाफ उसी रात तहरीर दी थी, जिस पर कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 को नामजद और 55 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन 5 नामजद छात्रों को बेकसूर बताते हुए शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के लगभग एक दर्जन छात्र SSP से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे, लेकिन SSP के व्यवस्था के कारण इन छात्रों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। छात्रों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने कहा कि बुधवार रात की घटना में प्रॉक्टर द्वारा निर्दोष छात्रों के खिलाफ तहरीर दिया गया है, जबकि उपद्रव करने वाले कोई बाहरी थे। शिवशंकर गौड़ ने पुलिस प्रशासन से 5 नामजद छात्रों की बहाली की मांग की है। वहीं इस मामले में चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने कहा कि अगर छात्रावास में कोई परेशानी थी तो छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इन उपद्रवियों ने न सिर्फ सड़क जाम किया बल्कि उनके आवास पर तोड़फोड़ और पथराव भी किया। उन्होंने कहा कि उपद्रवी छात्र किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। इस मामले को कुलपति के भी संज्ञान में लाया गया है। कुलपति ने भी इस पर और सख्ती बरतने की बात कही है। देखिए, हम लोग जिन छात्र नेताओं पर फर्जी तरीके से चीफ डॉक्टर के माध्यम से मुकदमा लगाया गया उस पर मैं पूरा विषय आपको बता देना चाहता हूँ। लगभग एक हफ्ता पहले से छात्रावास में बिजली की समस्या पर्याप्त थी, बिजली नहीं आ रही थी, और बिजली नहीं आने का मतलब है कि पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। लगातार छात्रावासी माननीय मुख्य नियंत्रता महोदय से, माननीय चीफ डॉक्टर महोदय से, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रत्येक अधिकारियों से अपनी मांगों से अवगत कराते हैं, लेकिन 27 तारीख को सबर का बांध टूट गया। जिस छात्रावास में बच्चा पढ़ने आता है वहाँ जब लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, बच्चा खाना बनाएगा कैसे? और यहाँ तक बता दूँ कि LLB का परीक्षाएं चल रही हैं, MA की परीक्षाएं चल रही हैं, और कई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बिजली न आने के वजह से खाना नहीं बन पा रहा था, जिसको लेकर 27 तारीख को आंदोलन पर बैठे आम छात्रवासी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के मुख्य नियंत्रक चीफ प्रॉक्टर के माध्यम से कई सारे छात्र नेताओं और कई आम विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन पर फर्जी तरीके के साथ मुकदमा लगा के उनके भविष्य के साथ बाली खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। यहाँ SSP से मुलाकात किए, क्या मांग करने आए हैं आप लोग? हम SSP से मांग ये करने आए हैं कि जो भी फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं छात्र नेताओं पर, तत्काल उन मुकदमों को वापस दिया जाए, और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को, अगर प्रशासन बार बार हमारे विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करता है तो मैं एक चीज़ और कहूँगा आपके माध्यम से कि गोरखपुर का प्रशासन जो सरकार के माध्यम से है वो विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखे और स्वयं समाधान कराने के लगा रहे। जब पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा? आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? दूर दराज से बच्चा पढ़ने आता है। डॉक्टर साहब का आरोप है कि आप लोगों ने उनके घर पर घेराव किया, पथराव किया, इस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं और मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि जब कई छात्र नेता उनसे बात कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे, वहाँ के पुलिस के अधिकारी, कैंट थानों के SSO, विश्वविद्यालय के चौकी इंजार मौजूद थे, उस समय जो है सारे छात्र नेता उनसे बात कर रहे थे, तब तक उनके घर से फ़ोन आया कि आप हमारे घर पर पथराव हो गया। कुछ असामाजिक तत्व जो है, बाहरी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का वातावरण बिगाड़ना चाह रहे थे और शहर का वातावरण बिगाड़ना चाह रहे थे, उन्होंने ईटा पत्थर चलाया नियंता पे, और वो फर्जी मुकदमा छात्रों पे कर दिया, उन्होंने छात्र नेताओं पे कर दिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, और आम छात्र जो बचा रहता उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, अब इसका फैसला जो है न्यायालय के माध्यम से भी होगा। और जब इन लोगों ने अचानक, जब विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तो बिना किसी सूचना के सड़क पर जा करके सड़क जाम कर दिया, जिससे जनता को भी परेशानी हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी परेशानी हुई और विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल हुई। और ये जो सड़क पर बैठ गए थे, ये जो लोग चिन्हित हैं जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है मेरे द्वारा, ये सब लोग उस धरने का नेतृत्व कर रहे थे और सड़क पर ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि चलो प्रॉक्टर के घर पर धावा बोलो। मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ठीक है बच्चे हैं, ध्यान ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने उस बात को अंजाम दिया। तो मैं तो जानता हूं कि यही लोग थे और इन लोगों ने ले जा करके, और वो बाहर उपद्रवी कौन थे? बाहर उपद्रवी इन्हीं के कहने पर आए थे। हॉस्टल में ये जो रह रहे हैं अपने साथ जो है इनके इनके सह पर ही तो उपद्रवी रह रहे हैं, जिनको उपद्रवी वो कह रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और ठीक है, ये विधि सम्मत जो है कार्रवाई की जा रही है।
सर, इन छात्रों का कहना है कि लंबे समय से बिजली पानी हॉस्टल में नहीं रहता है, जिससे उन लोगों को काफी दिक्कत होता है। देखिए, ये बिजली पानी एक समस्या तो है। बिजली जाड़े के दिनों में आप जानते हैं पूरे शहर की बिजली जो है ध्वस्त हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, और ऐसे में हमारा विश्वविद्यालय भी उसका एक पार्ट है, तो यहाँ भी गड़बड़ होती है, बिजली अगर बाधित होती है तो उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयास करता है। अभी आपको पता है नया ट्रांसफार्मर दो दो आया था, एक बैठा हुआ था, एक काम कर रहा था, और एक जो है स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर जो है आया हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद जो कि हाइडिल का था, फिर विश्वविद्यालय ने एक नया ट्रांसफार्मर मंगा करके संत कबीर छात्रावास के जस्ट बगल में वो जो 11,000 लाइन जो है उतार करके उसको देने का हम लोग प्रयास करवा रहे थे। इंजीनियर का जो रिपोर्ट है, मैं मौके पर जाकर के भी देखा, फाउंडेशन पर नया ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और वो सीट डाउन लेकर के वो एसटी लाइन पर घास जो चढ़ी हुई थी, लता चढ़ी हुई थी, उसको साफ कर रही थी। और ये यही छात्र थे लोग, ये जा करके हाइडिल पर जो है इन लोगों ने जो है उससे गलत व्यवहार किया, गाली विद्या हाइडिल वाले के जो कर्मचारी हैं उनको, और हाइडिल पर जिस कर्मचारी ने सिट डाउन लिया हुआ था उस कर्मचारी को इन लोगों ने फोन करके बुलाया। सारा घटना आप लोगों को पता भी है, पेपर में भी निकला हुआ है, और उस फोन से करके, और वो पोल पर जो लाइनमैन चढ़ा हुआ था वो सफाई कर रहा था, वो पत्तियों को साफ कर रहा था ताकि उसको जोड़ा जाए, लेकिन इन लोगों ने उसको उतार करके मारा भी। और फिर इंजीनियर ने हमको सूचना दिया तो मैं मौके पर पहुंचा, फिर इंजीनियर ने बताया कि सर ये हम काम नहीं करा पाएंगे। फिर वहां मैंने अपनी जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको वहां खड़ा किया, हमने कहा कि भाई लाइट शुरू करिए, उन्होंने बताया कि सर अभी इसको यहां मेंटेनेंस में भी बार बार लोग प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए हम क्रेन उठा करके और स्वास्थ्य केंद्र के पीछे जो हम लोगों का सब सिस्टम है वहां ले जाएंगे, और वहां से ले जा करके इन्होंने दिन में 11 बजे चालू भी कर दिया। 11 बजे से लेकर 7 बजे तक वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलता रहा, और जैसे ही लोगों ने ओवरलोड किया, ओवरलोड होते ही 7:30 बजे के पास जो है हमको सूचना मिली कि ये ट्रांसफार्मर जल गया, और इन लोगों ने बिना किसी उसके जो है ये बताते, हमको बताते, विश्वविद्यालय प्रशासन के और जिम्मेदार हैं लोग उनको बताते, तुरंत सड़क पर जाम कर दिया। ये तो कोई बात होती नहीं है, ठीक है आप विरोध करिए। जैसा भी आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय छात्रावास में कुछ उपद्रवी तत्वों का वहां पे जमावड़ा लगता है, तो अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका ताकि इस तरह दोबारा? अभी हमारे माननीय कुलपति जी बाहर हैं, अभी वो किसी काम बस जो है बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। पूरी घटनाक्रम को माननीय कुलपति जी को हमने कल अवगत करा दिया है और ये बता भी दिया कि इतने लोगों के खिलाफ जो है मेरे द्वारा उन्होंने और भी सख्ती बरतने के लिए हमको निर्देशित किया है। अब आगे की कड़ी में आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप जो है कार्रवाई होगी, और माननीय कुलपति जब आ जा रहे हैं तो और भी सख्त कार्रवाई होगी, और किसी भी स्थिति में हम जो है इन अराजक तत्वों को, ये जो अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले, चाहे वो छात्र हों चाहे बाहरी लोग हैं, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। देखिए, अब जो उपद्रवी आए, अगर मान लीजिए अगर आप उपद्रवी मानते हैं तो इन्हीं के बंधु बांधव थे, यही लोग ले आए थे, तो मैं तो यही जानता हूं कि यही इन्हीं के साथी थे, यही लोग थे, और इन लोगों ने जाकर के जो है भद्दी भद्दी गालियां दी, हमारा परिवार जो है और जाकर के आप देखिए, आप जो है वीडियोग्राफी करके जाकर के देखिए, हमारे घरों के जो है खिड़कियों पर इन्होंने ग्रिल पर एक एक आधे आधे टुकड़े जो है मारे हैं, और हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था, संजोग से दो सिक्योरिटी गार्ड वहां थे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड को मैं गाड़ी में बैठा करके और तुरंत चल लिया था, बाद में और हमारी बैरक में रह रही थी सिक्योरिटी, उसको लिया, तो उसको जो है इतनी बुरी तरीके से जो है उसकी गाड़ी वहां मोटरसाइकिल खड़ी थी उस पर जो है हमला किया, वो टूट गया। हमारी कार पर जो है इन लोगों ने 10 कार का जो गैरेज है उस पर 10 टुकड़े जो है साक्षात आप जाकर के देखें कि 10 बार वार किए गए हैं मिनिमम, और वो हमारा वो गैरेज भी टूट गया है। हमारे संजोग ही अच्छा था कि उसने जो गार्ड था उसने बहुत बहादुरी का काम किया कि वो पत्थर ही लोग 10 मिनट बरसाए हैं। आप कल्पना करिए कि 10 मिनट किसी के घर पर अगर पत्थर बरसेगा, ईटा बरसेगा, तो क्या स्थिति होगी। उसमें भी जो गार्ड था उसने बहादुरी काम किया, शटर उसको बंद कर दिया, गैरेज को जो गाड़ी का है, माने गाड़ी हमारी नहीं टूटी, उस पर एक हल्का सा जो है नेम प्लेट है जो है वो टूटा जो है,
तो ये तो बहुत ही ये अव्यवस्था है या शांति, ये देखिए, ये तो मैं तो आज हूँ, कल कोई और होगा, परसों और होगा, तो आप एक अथॉरिटी को चैलेंज दे रहे हैं। ये हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय की छवि आप खराब कर रहे हैं, पूरे जिले का नाम बर्बाद कर रहे हैं आप, कि क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे ही होते हैं, उपद्रवी होते हैं, उपद्रवी पैदा किए जाते हैं क्या? सर कितने छात्रों पर? लगभग ये 5 जो है नामजद हुए हैं, जो कि जिसमें कि 4 जो है लाके छात्र हैं, और एक जो है अभी वो मौके पर आकर के उन्होंने भी भीड़ को भड़काने का, अतुल नाम है उनका, डिटेल उनका जो है रिकॉर्डिंग है। विश्वविद्यालय का छात्र है वो? संभवतः विश्वविद्यालय का छात्र नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चे लोग उनको पहचान रहे थे, यही लोग बताएंगे कि वो कौन थे, क्योंकि उनके उकसावे पर जो है ये लोग कह रहे थे कि ये प्रॉक्टर को तब तक जाने नहीं दो जब तक कि जो है बिजली नहीं आती है, या इनको चलो इनके घर पर जो है हम लोग घेरते हैं।